रहनी आ रही क्या? उतरी ओ, 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 सामने बंदर आया होट शॉर्ट जल्दी ऐसी मेरी लिस्ट दे दे हे hey है तो कैसे सब आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो यस गाइस आज चुके हम ग्रैनी के अंदर डोर एस्केप करने इससे पहले हमने ग्रैनी के अंदर कार एस्केप किया था और यार अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रहा है देख लो तो आओ फिर शुरू करते हैं अपने इस कार एस्केप को हेलो कौन बोल रहा है हेलो भाई साहब मैं ग्रैनी आप वही बच्चे पकड़ने वाले हो ना हम ही है बच्चे पकड़ने वाले भाई साहब पहले तो थैंक यू आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश को आप जैसे लोगों की और जरूरत है हाँ तो भाई साहब मैं ये कह रही थी की मेरे घर में एक पागल लौंडा है नहीं मतलब पागल लौंडा है इतना पागल नहीं भाई मैं लोडा क्या मतलब पागल ही है वो हाँ भाई जी ठीक है वो पागल है आगे तो बढ़िया नहीं भाई साहब मैं बता रही हूँ ना वो पागल है पागल है पागल होगी ग्रहण क्या बोल रही है इतना ही

हमारी बुढ़िया सनक चुकी है भले ही वो सनक चुकी है लेकिन उसको डंडा चलाना अब भी अच्छे से ही आता है ठीक है तो ये उससे हमें बच के रहना पड़ेगा और उसने हमारा डे वन खत्म कर दिया टेमिट लोडे पिछली बार तो भाग गया था तो, लेकिन इस बार नहीं भागने दूंगी ओ ग्रैनी तुझे पता भी है इस गेम को मैं इतनी बार खेल चुका हूँ ना कि मैं इस गेम में अब इतना प्रो हो गया हूँ इतना प्रो हो गया हूँ किसी ने सोची ना होगी समझ रही है और ये क्या से चिपका रखे की ही नहीं रहे हैं डब्बे तो हट नहीं रहे और बोल रहे की प्रो हो गया है अभी रुका सारी प्रो निकालती हूँ अरे ग्रैनी तू है अबे भाई कैसे? कोई बंदा शायद प्रो हो गया था ग्रैनी में वो ग्रैनी अब तो ये काला जादू करेगी तो कैसे बचूंगा मैं तुझसे एकदम ही कहीं से भी आ जावे यार दो दिन खत्म हो चुके हैं हमारे और अभी तक कुछ भी नहीं किया है चलो कोई नहीं अभी भी हमारे पास तीन दिन अभी बहुत कुछ कर सकते हैं ग्रैनी ना बिगाड़ पाए हमारा कुछ भी और बाकी अभी हम इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर कुछ होगा तो Well, अभी तक मुझे कुछ दिखा तो नहीं और इसके बाद कार बैटरी पड़ी हुई है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है हमें तो करना है भाई। है भाई भाई डोर एस्केप ना बाकी हम ग्रैनी के टैडी को तो छेड़ने नहीं वाले बिकॉज पिछली बार ग्रैनी पगला गई थी और हमें उसको पहले ही वो बुढ़िया पगली हुई है यार और क्या पगलाएंगे ओहो कोड मिल गया ये तो और भी बहुत बढ़िया बात हो चुकी है अब ये पेडलॉक कोड जाके हम लगाते हैं वेल मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ना हम गन बना लेते हैं पैडलो कोड तो लगता रहेगा पहले हम गन बना लेते हैं और ग्रैनी को ऐसी हेडशॉट लेंगे ना ग्रैनी को उड़ा डालेंगे आसमान में आ रहा है खत्ता में ग्रहणी हाँ पतंग मैं तो उड़ा डालेंगे ग्रैनी का लोडर बहुत बोल रहा है तू तो। हाथ में रह ले नहीं ये लगा दिया हमने पहला गन का पार्ट और अब हमें दूसरे दो और पार्ट्स को ढूंढ के लेके आना है तो चलो फिर चलते हैं ढूंढने अच्छा एक सेकंड ग्रैनी ओ पगलेट बुढ़िया क्या वे कैसे चिल्ला रहा है ठीक से ही बोल ले हाँ तू तो, तो मुझे बड़ा आदर सत्कार दे रहा है चल छोड़ तू तो मुझे ये बता कि जो वीडियो के शुरुआत में तू तो वो बच्चे पकड़ने वाले को फोन क्यों लगा रही थी अरे हाँ वो बच्चा पकड़ने वालों की नौकरी के लिए फॉर्म निकले तो उसी के बारे में जानने के लिए थोड़ा करा था मैं क्या वो पुट्ठा कुछ काम वाम तो करता नहीं है ऐसे ही बिल्लो की तरह पूरे दिन घर में पड़ा रहता है वो पुट्ठा लेटी लेटी सिर्फ एक ही बात बोलता रहे आई आई एम एम टंगरी टंगरी और कोई

तो मैं क्या अच्छी खासी नौकरी निकल तो रही है चलो बुट्टे का भर्ती करवा दे वैसे ग्रैनी बात तो बिल्कुल सही कह रही है तू अब मैं कभी गलत बात कहती ही नहीं ग्रैंड पा की शक्ल भी बिल्कुल मैच होती है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ग्रैंड पाप बच्चे पकड़ने वाला ही है लेकिन अब भी एक बात है मन में तो उस बंदे को कह रही थी की कि, कि तेरे घर में एक पागल लौंडा है और फिर तू उन्हें पागल वाली हरकतें करने शुरू कर दी थी वो क्या था अरे वो मैं तेरे बारे में बता रही थी मैं ग्रैंड पा की भर्ती तो करवा ही रही हूँ लगे हाथ तुझे भी पकड़वा दू तू ने वैसे ही मेरा जीना मुश्किल कर रखा है ओहो तो ये बात है ग्रैनी हाँ हाँ। भाई कैसी लगी पगले चलो भाई, ग्रेनी तो गई अब थोड़ी देर के लिए अब हम इसके किचन को चेक करते हैं आखिर क्या दर रखा है ओह हमें पहले यहाँ पे बर्ड सेट मिल चुका है अब आगे हम दूसरी चीजों पर देखते हैं इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है इसलिए ओ स्पेशल की मिल चुकी है वेन चैनल मिल चुका है और अ... आ, नहीं है, कुछ भी नहीं है हमें तीन चीजें मिल चुकी हैं वेंच हैंडल उठा के लेके जाते हैं और देखते हैं कि उस कुएं के अंदर क्या छुपा रखा है इस क्रेणी ने अरे यार ये कुएं से सामान निकालने में बहुत मेहनत है ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है प्लीज इस वीडियो को भागल कर दो और सुपर ऐसी अरे बस क्या आप कल निकलेगा निकल भी जा हेलो जाय ओके तो कोकविल है यहाँ पे तो चलो इसको अभी यही पे छोड़ते हैं और उस काले कौ को बर्ड सीट देते हैं और देखते हैं की उसके पास क्या है इस रूम में भी देख लेते हैं आखिर क्या क्या रखा हुआ है आ, ओके यहाँ पे हैमर रखा हुआ है और यस हमें हैमर की काफी ज्यादा जरूरत है तो इस रूम को भी खोलना होगा बाकी अभी हम इस कौवे से देखते हैं इसके पास क्या ओके कोकबिल है तो हमें दो दोक बिल मिल चुके हैं अब हमें एक प्ले हाउस की, की जरूरत है और वो पता नहीं अब कहाँ मिलेगी और मेरे ख्याल से शायद ग्रैनी भी आ चुकी है क्या तू मेरे साथ दुबकन दुबका खेलेगा हे, 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 हे। हाँ ग्रैनी आ जा एक सेकेंड शायद कुछ गिरा दिया मैंने कुछ गिरा दिया यो तो दुबका ही बाद में खेलियो पहले तेरी मार पिटाई खेलेंगे आई गई बस आई गई। मर गई? तो मर गई? चलो अब ग्रेनी तो गई अब चेक करते हैं कि इस ड्रोर में क्या है तो इस ड्रोर में है प्ले हाउस की ओके चलो अब जल्दी से जाके इस प्ले हाउस की से प्ले हाउस को खोलते हैं तो यहाँ पे ये हमारा प्ले हाउस खुल चुका है अब हमें दो कॉक बिल को लेके आना है एक कॉकबिल तो मुझे पता है इस कुएं के अंदर रखा हुआ है और वो दूसरा कॉकबिल हाँ दूसरा कॉकविल वही पड़ा है जहाँ हमने ग्रैनी को मारा था सबसे पहले हम इस कॉकबिल को लगाते हैं फिर उस कॉकविल को लेके आते हैं ये लग गया हमारा कोकविल अब हमें दूसरा कॉकविल लेके आना है ये रहा कॉक बिल और ये यहाँ पे लग गया ओ भाई हमें यहाँ से मास्टर की मिल चुकी है ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई चलो मास्टर की को तो हम यही गिराते हैं और ऊपर मुझे ध्यान है हमें पेडलॉक कोर्ट मिला था तो चलो फिर उसको लेके आते हैं यहीं कहीं होना चाहिए पेडलोक कोड हाँ ये रहा वहाँ पे वहाँ से उठा पाऊँगा मैं अरे हाँ उठा लेंगे बढ़िया

लिपस्टिक दे दे मिल गई लिपस्टिक आ गया मजा चलो देखते हैं अभी हमें और किस किस चीज की जरूरत है अभी यहाँ पे हैमर की जरूरत है कटिंग प्लेट की जरूरत है और पेडलॉक की, की जरूरत है ओके अभी, अभी सबसे पहले किचन से हम स्पेशल की को उठाते हैं और ऊपर वाले दरवाजे को खोलते हैं और अभी हमें मीट भी ढूंढना है उस मकड़े को देने के लिए लो भाई अब यहाँ पे हमारा गेट खुल चुका है और अब हमें मीट लेके आना है मैं सोच रहा हूँ कि यार मीट तो मिलता रहेगा हम सबसे पहले ना हैमर को लेके आते हैं क्योंकि यार हमें हैमर की काफी जरूरत है एक तो गेट पर हैमर का यूज होगा दूसरा हमें दो जगह खोलने में भी हैमर की जरूरत पड़ेगी और मेरे ख्याल से उन दो जगह को जो हम खोलेंगे हैमर की मदद से वहीं पर ही हमें मीट भी मिल जाएगा तो चलो फिर लेते हैं हैमर को ये खुल गया गेट और ये रहा हैमर सबसे पहली जगह हैमर से खोलने वाली तो यही ऊपर ही है पास में तो चलो फिर खोल के आते हैं उस जगह को हम ये किसकी है आहट ग्रैनी आ रही है क्या ओ तेरी ओ, सामने बंदर आया ओ ग्रैनी ने मक्खी वाले के सर पे डंडा मारा ओ ग्रैनी को तो भैया बड़ा मजा आया ओए 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 बड़ा मजा आया ओए 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 ओ शिट यार ग्रैनी एकदम ही आ गई लेकिन बदला लूंगा मैं उससे अभी देखना ऐसा बदला लूंगा मैं उस औरत से याद रखेगी वो इस फ्रीज ट्रैप को उठाते हैं और यहां लगाते हैं अब इंतजार है ग्रैनी का तो यार जैसे कि आप सभी को पता ही है हमारी ग्रैनी उल्टे दिमाग की है तो जो काम करने के लिए मैं उसको मना करूंगा वो बुढ़िया उसी काम को करने वाली है जैसे कि आप अभी देखो ग्रैनी गलती से भी नीचे मत आ जाइयो क्यों क्यों ना मैं नीचे क्योंकि मैं कह रहा हूँ हाँ तो कहीं का प्रधानमंत्री है ना जो तेरे कहने पे रुक जाऊंगी ग्रैनी उस हवा की तरह है लौंडे जिसको रोकना असंभव है लेकिन अब ये संभव हो चुका है ग्रहण और भाई ग्रैनी कैसे लग रही है ठंडा ठंडा कूल कूल लौंडे लेकिन एक बात है क्या तूने अभी तक मेरी लिपस्टिक नहीं नीचे से गन को उठा लेता हूं क्योंकि हमें गन की काफी जरूरत है और इस गन में एमो भी नहीं है तो मुझे इस गन में एमो को भरना है ग्रैनी से बचने के लिए और यार वैसे अभी ग्रैनी तो गई हुई है अब ये गन कैसे सामने आ रही है अब अभी क्या हो रहा है गन रास्ता चल क्या रहा है ये यार मुझे समझ नहीं आता या ऐसी दिक्कतें मेरे साथ ही होती हैं तुम्हारे साथ भी होती हैं कभी डब्बे फेबिकॉल से चिपक जाते हैं कभी गन रास्ता रोक रही है हमारा चल क्या रहा है ये आखिर गेम में आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आपके साथ अभी भाई।, अभी भाई यार सिर्फ लास्ट डे ही बचा है मेरे पास ओ यार शर्ट अब तो एकदम ध्यान से खेलना होगा सबसे पहले ऐसे करते हैं फ्री स्टेप को उठाते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं अभी अभी ये क्या हुआ यार चल क्या रहा है ये कोई राइडम लगा रखे ग्रैनी ने ग्रैनी ने कोई मंत्र फूक रखे मुझे नहीं पता भाई जादू टोना कर रखा है इस बुढ़िया ने लगता है बाबा झंडूला के टोने टोट के सही काम कर रहे हैं कुछ भी खाओ ये बाबा झंडूलाल है कमाल अच्छा तो ये सब बाबा झंडूलाल की वजह से हो रही ठीक है भाई कभी निपटेंगे इस बाबा से भी अबे यार ये गर्मी तो बहुत हो रही है आजकल अबे वो ये चीज लगा देते बार बार मैं लगाता हूँ कोई दिक्कत दुख परेशानी है मिस ग्रैनी हटना रास्ता ही छोड़ दे मर के भी चैन नहीं है इस बुढ़िया को परेशान करना जरूर है। अबे, ये ट्रैप लगाना सीख गई? और यार एक बार को डर गया था मैं बिकॉज एक ही दिन बचा है मेरे पास यहाँ फंसा रह जाता तो बस हो जाता मेरा काम और अब मैं सबसे पहले गन को रिलोड करके ग्रैनी को गन से मार देता हूँ बिकॉज फ्रीज ट्रैप से ग्रैनी ज्यादा टाइम तक नहीं जाती है ये हो गई हमारी गन रिलोड अब ग्रैनी के आने का इंतजार तेरे पास ये दस रुपये क्या बोल रही थी ग्रैनी चलो छोड़ो गन को फिर से रिलोड कर लेते हैं आ, मुझे ध्यान है कि मैंने जो ये प्लैंक हटा के गेट खोला था यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया था क्या है आ, क्या है यहाँ पे ओ मीट है बहुत बढ़िया मीट तो हमें चाहिए ही था लोग भाई साहब खाना खाओ हम देखते हैं उसके अंदर आपने क्या रखा रखा है और इसके अंदर हमें मिलता है पेड लॉक की बहुत बढ़िया अब सिर्फ मेरे ख्याल से कटिंग प्लायर से रह गए हैं बाकी तो हमें सब कुछ मिल चुका है पेड लॉक की से हमने ये लॉक खोल लिया है और अब हमें चाहिए कटिंग प्लायर्स अच्छा यार मेरे पास ना एक आइडिया है मैं ऐसा करता हूँ इस फ्री स्ट्रैप को ना एक ऐसी जगह पे लगाता हूँ जहाँ पे ग्रहणी का सबसे ज्यादा आना जाना लगा रहता है और ग्रहणी सबसे ज्यादा इस गेट से आती है तो अब तुम देखना हम ग्रहणी की कैसे कुल्फी बनाते हैं ग्रहणी की कुल्फी बनाने से पहले हम ऊपर वाले रूम को ओपन कर देते हैं इस हैमर की मदद से और ये हमने प्लैंक तोड़ दिया है और रूम के अंदर चेक करते हैं क्या है आ, इन ड्रॉर्स में है कार की जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है चलो इस प्लैंक को हम यहाँ पे लगाते हैं और इसके अंदर के लिए तो मुझे कटिंग प्लायर्स चाहिए लेकिन कटिंग प्लायर्स वैसे भी यहाँ लाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वहाँ पे रेंच रखा हुआ है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है कटिंग प्लायर्स हमें सिर्फ और सिर्फ गेट के लिए चाहिए और हाँ अभी तक मैंने गेट के ऊपर लगे प्लैंक्स को हैमर की मदद से नहीं तोड़ा है तो चलो फिर उनको जाके तोड़ते हैं छत तोड़ने का है क्या मेरी हाँ ग्रैनी मैं सोच ही इतनी आराम से जाने का मजा नहीं आएगा थोड़ी तोड़ फोड़ मचा दे अच्छा की ठंडी ठंडी आइसक्रीम चलो ये हैमर ऐसी भी हमने इन प्लाइंट को तोड़ दिया है अब हमें सिर्फ और सिर्फ कटिंग प्लायर्स की जरूरत है लेकिन यार कटिंग प्लायर्स मिलेंगे कहा सब तो जगह चेक कर ली मैंने अरे हाँ याद आया वो स्क्रू ड्राइवर वाली जगह पे चेक नहीं किया तो चलो फिर हम सबसे पहले उस स्क्रू ड्राइवर को उतारते हैं लेकिन यार मुझे एक चीज समझ नहीं आई ये ग्रहणी ने स्क्रू ड्राइवर वहां रखा कैसे होगा और आखिर क्यों क्यों इतना छुपा के रख रखा है इसको चलो स्क्रू ड्राइवर को उठाते हैं इस जगह को खोलते हैं और इस जगह से हमें मिला है सेफ की ओके तो यहाँ से हमें मिला है कटिंग प्लाय ओके अब सबसे पहले यहाँ वाली वायर को काटते हैं और अब हम ऊपर जाके वायर को काटते हैं बस भाई हो गया स्केप ये कटी हमारी वायर ये हमने उठाई मास्टर की और अब बाय बाय, मैं जा रहा हूँ बदतमीज कहीं का मेरी लिपस्टिक चुरा के गया अरे मैंने नहीं ली यार तेरी लिपस्टिक ये अलग ही सस्ते नशे करती रहती है बुढ़िया लोनटे लिपस्टिक लेके अच्छा नहीं किया तूने तो गाय यही हो चुका है हमारा डोर एस्केप और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आई तो यार जल्दी से इसको लाइक कर दो तो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो तो। और अगर वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ चुकी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार तो अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय